हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक पत्र लेखन के स्टार्टिंग वाले बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी कि पत्र क्या है, पत्रों के प्रकार किस किस प्रकार से हैं, और नाइन्थ क्लास के अंदर जो हमारा सिलेबस है अनौपचारिक पत्र, और अनौपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से उसका फॉर्मेट होगा, ये हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे पहले कि इनमें अपनों से बड़ों के लिए, अपनों से छोटों के लिए या बराबर वालों के लिए किस तरह का संबोधन या अभिवादन हो, अपनों से बड़ों के लिए हम जब अभिवादन बोलेंगे तो यहाँ पर पूज्य या पूज्या आदरणीय या आदरणीय, ठीक है, और पूजनीय या पूजनीय, इस प्रकार से हम उनका संबोधन कर सकते हैं। और अभिवादन के लिए हम लिख सकते हैं सादर प्रणाम, ये तो हो गया हमारा संबोधन, और ये हो जाएगा इनका अभिवादन का तरीका, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, ये अभिवादन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बराबर वालों के लिए चाहे वो हमारे मित्र हों, हमारे समकक्ष हों, उनके लिए हों, तो उनके लिए हम लिख सकते हैं प्रिय, मित्र, ठीक है। इसके साथ अभिवादन में अगर आएंगे तो अभिवादन में लिख सकते हैं यहाँ पर नमस्ते, सस्नेह, शुभाकांक्षी, शुभ स्नेह, ये हमारे अभिवादन का तरीका हो गया। और अगर हम अपने से छोटों के लिए पत्र लिखें और छोटों के लिए हमारे पास क्या अभिवादन हो, क्या उनके लिए संबोधन हो, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रिय अनुज, अगर अपने से छोटा भाई है तो प्रिय अनुज लिख करके उसका नाम आ जाएगा, छोटी बहन है तो प्रिय अनुजा शब्द आ जाएगा, छोटी बहन को अनुजा कहा जाता है, क्लियर। प्रिय भाई, प्रिय शब्द से हम उसको संबोधन कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं शुभाकांक्षी, शुभाशीर्वाद, सस्नेह नमस्ते या नमस्कार। तो इस तरह से तीन तरह से पत्र लिखे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने से बड़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, तो यह इस प्रकार का संबोधन होगा, इस प्रकार का अभिवादन होगा। अपने से बराबर वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय शब्द से संबोधित कर सकते हैं, नमस्ते, सस्नेह, नमस्कार, शुभाकांक्षी, शुभ स्नेह, यह हमारा अभिवादन हो सकता है। अगर हम अपने से छोटों को पत्र लिखेंगे तो उनके लिए इस प्रकार का संबोधन होगा, और ये हमारे लिए उनके लिए अभिवादन का तरीका होंगे। तो
तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अपने अपने आयु वर्ग के हिसाब से बड़ा या छोटा है उनके हिसाब से यहाँ पर उनके लिए अभिवादन और संबोधन हो सकता है। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें संबोधन लिखना है, संबोधन के बाद में उनका अभिवादन किस प्रकार से हो ये लिखना भी परम आवश्यक है अनौपचारिक पत्रों के फॉर्मेट में अनौपचारिक पत्र लिखते समय। अब हम बात करेंगे कि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र जो है ये व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है और व्यक्तिगत रूप से लिखे गए जो पत्र हैं इनमें हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे ऊपर भेजने वाले का पता, प्रेषक का पता मतलब भेजने वाले का एड्रेस, भेजने वाले का पता, ये दो पंक्तियों में होना चाहिए। तीसरी पंक्ति के अंदर दिनांक, तीसरी पंक्ति में क्या होनी चाहिए, दिनांक होनी चाहिए। दो पंक्तियों में हमने प्रेषक का पता लिखा, तीसरी पंक्ति में बिना कोई स्पेस दिए हुए दिनांक लिखी। दिनांक लिखने का तरीका भी आपको मालूम है, जैसे आज अगर तारीख है 8 जनवरी तो 8 जनवरी लिखने के बाद में जैसे हमने लिख दिया 8 जनवरी, 2022, तो ये सबसे उपयुक्त तरीका है दिनांक लिखने का। तो यहाँ पर दिनांक हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो दो पंक्तियों में एड्रेस लिखा, तीसरी पंक्ति में दिनांक लिखा, इसके बाद में यहाँ पर हमें एक लाइन का स्पेस देना है। उसके बाद हमें देखना है कि प्रश्न पत्र के अंदर जो जिसको पत्र लिखना है वो हमारे से बड़ा है, बराबर वाला है या छोटा है, उसके अनुरूप हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखोगे संबोधन और दूसरी पंक्ति के अंदर आएगा अभिवादन। तो यहाँ आ जाएगा संबोधन कि किसको पत्र लिख रहे हो, किसको संबोधित कर रहे हो, और दूसरी पंक्ति के अंदर आ जाएगा अभिवादन। ठीक है, संबोधन मतलब अगर मैं अपने से बड़ों को पत्र लिख रहा हूं, अपने पिताजी को पत्र लिखूंगा तो यह आएगा आदरणीय पिताजी, ठीक है, उसके बाद में कोमा, उनको अभिवादन करूंगा सादर चरण स्पर्श और यहां पर पूर्ण विराम। क्लियर, बराबर वालों के लिए अभी जो आपको इंडेक्स बताया था उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर संबोधन लिखना है, उसके बाद में अभिवादन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है, एक नंबर का एक अंक का ये मान्य है, एक अंक इसके अकॉर्डिंग मिलता है, इसलिए ये चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए। शुरुआत की तीन में दो में पता लिखना है, तीसरी में दिनांक, एक लाइन का स्पेस देना है, आगे की दो पंक्तियों के अंदर संबोधन दिया और हाथों हाथ उसका अभिवादन किया, फिर यहाँ पर एक लाइन का स्पेस देना है। हम यहाँ लिखेंगे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तथा आशा करता हूं कि आप भी वहां पर कुशल पूर्वक होंगे। इस तरह से किसी भी पत्र की शुरुआत कर सकते हैं जो सही हो, स्वागत करने योग्य हो। वहीं अगर दूसरे पल कोई दुर्घटनाग्रस्त है तो हमें ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा समाचार प्राप्त हुआ, सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम इस प्रकार की घटना से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हो।
तो कहने का मतलब प्रत्येक पत्र के अंदर अपनी भावनाएं उस पत्र के शीर्षक या पत्र के विषय से संबंधित होनी चाहिए, और उसके बाद में आगे की 4-5 पंक्तियों के अंदर जो भी मैटर आप इसमें लिखना चाहते हो उस विषय से संबंधित वो लिखा, और लिखने के बाद में आखिरी पंक्ति के अंदर वापस एक लाइन का स्पेस, और यहाँ लिखोगे भवदीय, भवदीय नहीं लिखो तो यह लिख सकते हो आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय अनुज और नाम, ठीक है। इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र के अंदर इन सब बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं अपने पिताजी को पत्र लिख रहा हूं कि छात्रावास में रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी है, आप चिंता ना करें, इस बात को अवगत करवाने के लिए हमें लिखना होगा, तो लिखेंगे छात्रावास का पता कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर B357 शक्ति नगर दादाबाड़ी छात्रावास कोटा राजस्थान, दिनांक आ जाएगी आज की, संबोधन आदरणीय पिताजी, उसके बाद में कोमा सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे, मैं सकुशल अपने छात्रावास में रह रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ का मेस का खाना बहुत अच्छा है, हर प्रकार के मित्र मुझे यहाँ पर मेरी दोस्ती हुई और लोगों से मैं मिला, तो यहाँ आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। आपका प्रिय पुत्र नाम आ जाएगा, नाम यदि प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है, वही एड्रेस लिखना है, और प्रश्न पत्र में नहीं लिखा हुआ तो परीक्षा भवन या जो भी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न पत्र के अंदर लिखा हुआ है तो इट इज़ मैंडेटरी कि प्रश्न पत्र के ही पता, प्रश्न पत्र का ही नाम हम वहाँ पर लिखेंगे, अपनी तरह से हम किसी प्रकार की चीज़ नहीं डाल सकते। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, ठीक है, धन्यवाद।